ये तो पानी आ गया, ये पार कैसे करेंगे हम इसे? बाइक कैसे पार? मैं ट्रैक्टर पे बैठ रहा हूँ भाई, मैं तो बाइक घुसा दो गाड़ी तो ना जाए और रहने दे पानी में को भैया। अरे नॉर्मल है वैसे ना। और पूरी तैयारी चल रही है जोर शोर से इस टाइम। मौसी तो जो है अभी यहाँ पे पूरियां उतार रही है भाई डेरा डालने के लिए। नानी भी लगी हुई है साथ में और अंगीठी पे बनाई जा रही है सबसे अच्छी बात। और इधर जो है सारे बिस्तर वगैरह निकाल दिए गए हैं देखो। सो गाइस अभी तैयारी करते करते रात के 9 बज चुके हैं और इधर जो है सभी मामा लोग ना बांस वगैरह काट रहे हैं, नाप रहे हैं। ये जाएंगे, इनका टेंट लगेगा अभी। चलो भाई फाइनली आ गई हमारी ट्रॉली तैयार होने के लिए, अभी सामान भरा जाएगा। तो गाइस अभी जो 11:30 हो चुके हैं और अभी जो है ट्रॉली भरवानी स्टार्ट करेंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने मामा के गांव आया हुआ हूँ मौसियों के साथ। भिवाड़ी से आए थे हम और मामा ट्रैक्टर लेके आ गए थे बिकॉज हम लोगों को गंगा स्नान के लिए गंगा किनारे जाना है। तो यहाँ पे पास ही में गढ़ पड़ता है और वहाँ पे तंबू बम्बू सब कुछ गढ़ेगा अभी जाके। रात के 11:30 बजे हुए हैं तो अभी जस्ट जो है ट्रॉली को तैयार कर रहे हैं। तो ये अब तैयारी हो चुकी है, घास बिछ चुकी थी इसके ऊपर तिरपाल बिछा दिया है और अभी सारा खाने पीने का सामान सिलेंडर वगैरह गैस चूल्हा वगैरह सब लेके जा रहे हैं। बिस्तर वगैरह भी अंदर रखा हुआ है, सब उठा के इस पे रखवाना है और फिर इसके ऊपर ही बैठ के सब लोग जाएंगे। और किट्टू इधर चढ़ा हुआ है, नीचे उतर जा चोट मत लगवा लियो। तो अभी जल्दी जल्दी उठवा के सामान लाते हैं और लगवाते हैं। इसमें सब्जी है क्या? आलू गोभी है, गोभी। चल मैं गोभी लेके चलता हूँ, ये लेके चल पकड़। क्या है इसमें? क्या चीज है? बर्तन है अच्छा इसके अंदर। हाँ सही बात है, सारे बिखर जाएंगे, बंद करना पड़ेगा। भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब रात के 12 ही बज जाएंगे भाई निकलते निकलते। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो रात को भाई 12 मतलब 2 बजे पहुंच जाएंगे वहां पे और इस टाइम जाके हम तंबू गाड़ेंगे भाई। ये लकड़ियां कुछ बोन फायर के लिए अभी तो और आई नहीं। और है अपने पास? हाँ और ला रहे हैं। कहाँ पे है? छत पे मौसी कह रही लाइट जला दे। किधर है और लकड़ियां? दो लात मारे चल ले, ये लेके जा पकड़, ये लेके जा। गुस्से नहीं रख रहे? नहीं। बिस्तर ले आए? चलो उठो भाई। ये मेरे वाला हो गया, ये लो भाई मामा, इसे भी रख दो बैग को। ये संदूक कहाँ लेके जा रहे? नान पे जाओ। नान पे इसका क्या काम है? इसे पिटा रहा है जी। यही नहीं अभी और सुनिए, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा घर उठा के चलना पड़ता है साथ में गंगा स्नान के लिए। तो मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान, बैग कुर्सी चूल्हा सब्जी सब कुछ हो गया, मतलब कंबल वगैरह और रह गए बस, बिस्तर टेंट भी ले लिया और जो बांस वगैरह है ना वो नीचे की साइड लगाए हैं ताकि जो है डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये देखो, तो ये देखो ट्रॉली के नीचे बांधे हुए हैं, ये हमारे बम्बू हैं, इनके ऊपर तंबू लगेगा। बिस्तरे की बारी आ गई, चलो चलो लाओ दो, दो चलो भैया कंबल की बारी आ गई, ये लेके चलते हैं। ये लो भाई, ओ भाई साहब घर के सारे सदस्य भाई सबका सपोर्ट है पूरा। मुझे भी आ गई सामान भरवाने में। ओ भाई साहब सांस चढ़ गया, तो बहुत सारा सामान रखना है। हाँ मसी किसको दिखाया जा रहा है, वीडियो कॉलिंग चल रही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सारे कर रही है। चलो सही है, कर लो कर लो, स्टार्टिंग का रोमांस से कर लो। टेंट है क्या हमारा? ये ऊपर लगेगा, ऊपर टेंट के ऊपर लगेगा। ऊपर से घर गई ट्रॉली, मतलब जगह से भी जगह खाली नहीं बची, यहाँ पे सब बैठ के जाएंगे और मामा ट्रैक्टर चलाएंगे और हम साइड में बैठेंगे। तो वही बस निकलते हैं, इन्वर्टर वगैरह और खोलना है तो इन्वर्टर खोलेंगे अभी, बैटरी वगैरह निकालेंगे और फिर वो भी रखेंगे यहाँ पे साइड में और फिर निकलते हैं, मजा आएगा। अभी फाइनली इन्वर्टर खोलते हैं, एक बैटरा काफ़ी है वहाँ पे ले जाने के लिए। तो आ गया खिच किट्टू, चल बस 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 हो गया ना। तो भाई अभी फाइनल पैकिंग कर दिया है, सामान सारा इसके अंदर आ गया भाई और अब इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं, सामान गंदा भी नहीं होगा। और अभी रस्सी बांध देंगे पूरे पे तो कुछ सामान उछलेगा भी नहीं, बिखरेगा भी नहीं। प्रक्रिया स्टार्ट करो रस्सी की, प्रतिक्रिया होता है, प्रक्रिया हुआ है।
बिल्कुल चुप। भाई हम तो सामान रख के लेट गए, ऐसा मन कर रहा है सो जाऊं बिल्कुल। लेकिन मुझे मामा के साथ आगे ट्रैक्टर में बैठना पड़ेगा। आने शुरू हो गए क्या सब? लो भाई सब आने शुरू हो गए, ट्रैक्टर में भरने शुरू हो गए। अब सोने नहीं देगा कोई मुझे। 48 घंटों से मैं सिर्फ 1 घंटा सोया था कल रात। अरे भाई चलो ठीक है, आओ मौसी आओ, इस जगह पे पैर रखना। बैठ गए सारे, फिक्स हो गए भाई। दुग्गू खुश हो रहा भी से बैठ के जा रहा। वाओ वाओ मम्मी जी जल्दी आई आप। आराम से आराम से आराम गिर गई, आराम से गिर मत जाइयो। अभी तो आराम से चढ़ गए, पता चले गिरे गए। चलो भाई फाइनली घर का लॉक लगाया जा रहा है अभी। क्या हो गया तेरे, क्या प्रॉब्लम आ रही तुझे? मुझे आ रही है बैठने। पीछे बैठ जा, हवा लगेगी बहुत तेज। पीछे बैठ। मेरे को जाना पड़ेगा। ड्रामा कर रहा कभी इधर कभी उधर। मामा को अंदर बंद कर दिया। खोल दो गेट। खुली तो रहा है गेट। खोल दो। चलो भाई अभी फाइनली सब बैठ चुके हैं अपनी अपनी जगह पे, फिक्स कर लिया सबने। अभी बस मामा आएंगे और फिर निकलते हैं, चलते हैं। फाइनली सेल्फ लग चुका है ट्रैक्टर में। चलो भाई चलते हैं। अभी बंटी मामा चलाएंगे ट्रैक्टर। हमें यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर जाना है, तो लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा भाई पहुँचने में। तो लगभग 2 बज जाएंगे पहुँचने तक। तो अभी चलते हैं और मजे करते हैं। 2 hours later अभी 2:20 हो चुके हैं और अब जाके हम पहुँचे हैं। हाँ फोन नहीं मिल रहा किसी का भी, मैंने मिला दिया। और सामने की तरफ भरा हुआ है भाई मेला, तो उस जगह जाना है हमें। तो हम रुक जाते हैं ना थोड़ी देर वेट करते हैं उनका, यहीं आ जाएंगे। तो मैं बाइक पे आ गया था और वो सब ट्रैक्टर पे आ रहे हैं। उधर से रोशनी आ रही है काफ़ी दूर से, पता नहीं मोबाइल में दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन रोशनी आ रही है वहाँ से। हाँ दिख रही है मोबाइल में भी। और वो देखो भाई पूरा गंगा स्नान का मेला। तो गंगा किनारे बहुत सारे लोगों के टेंट लगे हुए हैं और साथ ही साथ मेला भी भरा हुआ है। तो अभी मामा का वेट करते हैं, आने में ही होंगे। रोशनी दिखाई दे रही है हमें। और ठंड तो भाई पूछो मत, मतलब नेक्स्ट लेवल ठंड है। गाँव में तो कुछ भी नहीं थी इसकी 20% भी नहीं थी जितनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है इस टाइम। मतलब आँखों से भी पानी आ रहा है और पैर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, सुन पड़ चुके हैं और हाथ भी पूरे सुन पड़ चुके हैं। तो ख़तरनाक वाली सर्दी है इधर। और भाई बस वेट ही कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अभी तो पूरा का पूरा टेंट वेंट लगाना है, 1-1.5 घंटा तो उसमें लग जाएगा। तो मतलब ख़तरनाक वाला काम होने वाला है। अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही ब्लॉग शूट करने की, सुबह ही करूँगा भाई टेंट वेंट, मतलब सो जाऊँगा अब तो। क्योंकि मतलब पूरे 48 घंटों में लास्ट वाले 1 घंटा सो पाया, तो नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। तो देखते हैं क्या होगा। चलो फाइनली आ गए भाई ट्रैक्टर लेके मामा, काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ तक पहुँचने में तो 5 मिनट लग जाएगी, वो तो टुकुर आ रहा है क्योंकि। पर ये है कि गंगा स्नान पे आने का अलग ही मज़ा आता है भाई। मतलब 2-3 दिन जिंदगी के सुकून के बीतते हैं बिल्कुल मस्त। मतलब बाहर की टेंशन से फ्री हो के आराम से जियो, मतलब टेंट में घूमो फिरो, नहाओ धो, बस कुछ भी करो, खाओ पियो, लेकिन बाहर की टेंशन से मतलब बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो चलो फाइनली पहुंच गए मामा भी यहाँ पे, ट्रैक्टर लेके पीछे ही आ रहे हैं। और फिर जगह ढूंढेंगे हम वहाँ पे कोई टेंट लगाने की, और फिर टेंट लगाएंगे। तो करेंगे सब कुछ अभी, अभी तो बहुत कुछ करना है यार। 4 बज जाएंगे सारे काम निपटाने में, मतलब सोना है, मतलब 4 बज जाएंगे सोने में। टेंट वेंट लगा के आराम से फिर मस्त मज़ा आएगा। फिर 2 दिन यहीं रहेंगे अपना और आप लोगों को पता चल ही जाएगा व्लॉग में क्या क्या हो रहा है। ये तो पानी आ गया, ये पार कैसे करेंगे हम इसे? ओ भाई हमारे रास्ते में आ गया ट्रैक्टर। यहाँ तो पानी है, बाइक कैसे पार? मैं ट्रैक्टर पे बैठ रहा हूँ भाई, मैं ट्रैक्टर पे बैठ रहा हूँ। पानी है रास्ता से दही है। तो
मम्मा मेरे पैर से कुछ दबा बोतल है। अच्छा चलो बोरे पहला रास्ता देख ले, और तो कहीं नहीं कोई है। बाइक घुसा दो, गाड़ी तो ना जाए और रहन दे पानी में को भैया। अरे नॉर्मल है वैसे ना। हाँ जी जी बिल्कुल। सही है, यहाँ लोकेशन ठीक है। काफी हो जाएगी चौड़ाई। Hey guys, good morning, welcome to my... अबे साले, तभी माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।